subscribe to Khabar Update and press the bell icon for never miss any news. पाकिस्तान की आर्थिक हालत कितनी भी खराब हो, उसके देश के आवाम के पास दो वक्त की रोटी भी भले ना हो, लेकिन पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से कभी बाज नहीं आ सकता। कश्मीर को लेकर पाकिस्तान का राग नए पाकिस्तान की सोच का दावा करने वाली इमरान सरकार में भी जस का तस है। वहीं पाकिस्तान फिर से अपने पुराने आका अमेरिका के आगे इस मसले को फिर से उठाने की फिराक में है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान इस महीने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाले हैं। बताया जा रहा है कि इमरान इसी मुलाकात के दौरान कश्मीर मुद्दे का जिक्र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कर सकते हैं, साथ ही वे इस मुद्दे को सुलझाने में ट्रंप की मदद मांगेंगे। पाकिस्तानी अधिकारियों के मुताबिक दोनों देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों की मुलाकात 22 जुलाई को होने वाली है। पाकिस्तानी अखबार द नेशन की रिपोर्ट की माने तो पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा है कि 22 जुलाई को वाशिंगटन में दोनों नेताओं के बीच होने वाली मुलाकात के एजेंडे पर काम चल रहा है। एक अधिकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री इमरान खान निश्चित ही अमेरिकी राष्ट्रपति से बातचीत में कश्मीर का मुद्दा उठाएंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि वह इसे सुलझाने में मदद करें। मिली जानकारी के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान द्वारा क्षेत्रीय शांति के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में बताया जाएगा। कुल मिलाकर कहें तो पाकिस्तानी सरकार अमेरिका के सामने अपनी छवि को सुधारने के और अपने आप को शांति का दूत बताने की भरसक कोशिश ट्रंप के आगे करेगी। वहीं अफगान तालिबान के साथ जारी अमेरिका के शांति वार्ता के प्रयासों के समर्थन में पाकिस्तान के कदमों का हवाला देते हुए इमरान खान कश्मीर मसले पर अमेरिकी रुख को अपनी ओर मोड़ने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा, भारत के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने में जुटा अमेरिका पाकिस्तान की ओर से कश्मीर के मसले पर हस्तक्षेप करने की मांग को किस तरह से लेता है। खबर अपडेट की रिपोर्ट।